हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन। 69वीं मुख्यमंत्री का बड़ा बयान निकल कर आ रहा है आप लोगों के समक्ष 69वीं को लेकर, और उन्होंने स्पष्ट 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 तरीके से बोल दिया है कि 69वीं में सिर्फ और सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। नई शिक्षा नीति योग्य शिक्षकों के चयन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, और 2021 में शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ा बयान उनका निकल कर आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे इससे एक वीडियो में, और शिक्षा मंत्री से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है और उस पर शिक्षा मंत्री का क्या बात निकल कर आ रही है वो भी जानते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारी लेटेस्ट अपडेट 69,000 भर्ती से रिगार्डिंग प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 69,000 भर्ती से रिलेटेड आपके ट्विटर पर अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं ताकि अपनी बात पहुंचा सकें उन तक। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही उम्मीद है कि 69 शिक्षक भर्ती में मेरिट से कोई समझौता नहीं करेंगे, फैसला आते ही शुरू करेंगे अपनी भर्ती प्रक्रिया, और ये बात स्पष्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों से। ये ट्वीट्स अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जनवरी 2021 तक खत्म करेंगे शिक्षा मित्र व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ जी का ये था बयान। फैसला कुछ भी आए मेरिट से समझौता नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए, आपको ट्वीट में काम बहुत ज़्यादा देने वाली हैं। यूपी में 69 शिक्षक भर्ती का मामला है, योग शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति लागू करेंगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इन्होंने ये स्पष्ट बात की। इसके अलावा शिक्षा मित्रों से शिक्षा मंत्री से आपके मिलने गए अभ्यर्थी 69,000 भर्ती से जुड़े, और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जैसे ही भर्ती प्रक्रिया का न्यायिक प्राधिकरण से फैसला आता है वैसे सारी चीज़ें अपने आप में तैयार हैं, और जल्दी सारी चीज़ें आपकी संशोधित उत्तर कुंजी रिजल्ट, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट फटाफट होने लगेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री से आपके 69,000 भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी उनसे मिले और अपनी बात स्पष्ट की, जिस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट उनसे स्पष्टीकरण में स्पष्ट जवाब दे दिया कि आपके योग्य अभ्यर्थियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ना योग्यता से कोई खिलवाड़ होगा। इसके अलावा जैसे ही आपके न्यायिक प्राधिकरण से सारे क्रियाकलाप कंप्लीट होते हैं, भर्ती प्रक्रिया तुरंत एकदम कह सकते हैं ना बुलेट ट्रेन की रफ्तार की गति से सारे क्रियाकलाप हो जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी आपको वीडियो मिल रही है, आपके एक एक प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। बाकी एकजुट रहिए, होली का त्यौहार बिंदास तरीके से मनाइए, खुशियाँ बांटिए, माता पिता की सेवा करिए, मदद करिए, और उनकी भी खुशियाँ बांटने में मदद करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।